चलो अच्छा ही हुआ, कल प्रोड्यूसर ने खुद आन के माफी मांग दी। छोटी को भी तो थोड़ी तसल्ली हो गई होगी ना। अरे भाई, छोटी को तो शूटिंग देखने के लिए बुलाया है प्रोड्यूसर ने। अरे तुम लोग को जाना नहीं था शूटिंग में? या पापा, आज तो सुहाना की गौरी एक अलग ही रूप में दिखने वाली है। हाँ हाँ सुहाना, तुम्हें ना अपनी सास को जमकर सुनाना। धीरे बोलो यार, अगर सुहाना की असली सास ने सुन लिया ना तो फिर से हंगामा हो जाएगा। इंदर बकवास मत करा। देखा, प्रोड्यूसर का ही होगा। देखो, हाँ सर, सर बस निकल रहे सर हम लोग। हाँ 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 निकल रहे जी। अरे सर किसी और दिन ले आता हूँ मैं, आज नहीं आ पाएगी वो। अरे बट मैं आ तो रही हूँ। हाँ क्या आपने गाड़ी भी भेज दी? क्या बात है भाई, आज तो गाड़ी भेज रहा प्रोड्यूसर हैं। बिल्कुल सर, मैं कोशिश करता हूँ। ओके सर बाय। भाई हो गया नाश्ता वास्ता? छोटी मामी जय हो आपकी। आपको पता है प्रोड्यूसर ने आपको फिर से इनवाइट किया है? नहीं, मुझे शूटिंग वूटिंग में नहीं जाना है। उन्हें ना मना ही कर दो भाई। नहीं नहीं छोटी मामी, ऐसे कैसे मना कर सकता हूँ। अरे अपनी पर्सनल गाड़ी भेजी है आपके लिए। छोटी भाभी के लिए गाड़ी भेजी है? क्या बात है चाची, आप तो मतलब सुहाना से बड़ी स्टार बन गई। हाँ चाची जी, अब तो आपको जाना ही चाहिए। अरे भाई, प्रोड्यूसर को भी समझ में आ गया है कि आप खुश रहेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अरे ये क्या दिशु, तुम छोटी मामी आप चलिए ना प्लीज। अब नहीं नहीं मुझे नहीं जाना भाई। ठीक है ना रानू, क्या करेगी वहां जाके, तू कोई बहाना बना दे। अभी रानू को तो रहने दो, आजकल भरोसा नहीं है उसका, एकदम प्रेशर कुकर बन के घूम रही है। कहीं वहां जाके फट गई तो है? अरे मतलब कोई हंगामा कर दिया तो? क्या मतलब है आपका, मैं सब जगह जाके हंगामा करती फिरती हूँ क्या? ऐसी हूँ मैं? अरे पापा क्या आप हर वक्त मजाक करते रहते हैं। सच में आलोक, तुम्हें भी ना हर वक्त बस मत। अरे लेकिन यार तो सॉरी बोलवा लो मुझसे। हाँ बोलिए। सॉरी माँ, आपको नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, हम उन्हें मना कर देंगे। भाई वैसे ये प्रोड्यूसर तो मुरीद हो गया छोटी का। अरे क्यों ना हो नाना जी, हीरोइन की मम्मी जी जो है। अरे आप लोगों को पता है, सुनिएगा छोटी मामी, इस फिल्म इंडस्ट्री में जितनी इज्जत हीरोइन की नहीं होती ना, उससे कई ज्यादा इज्जत उसकी मम्मी की होती है। हाँ अरे विदेश तक घुमाती है वो। वो टीवी में जब अवार्ड फंक्शन देखते हैं हम, तो पता है हीरोइन की मम्मी सबसे आगे की सीट में बैठी होती है, वो शाहरुख और सलमान के बगल में। मतलब जब सुहाना को अवार्ड मिलेगा तो छोटी भाभी सबसे आगे की सीट में बैठी होंगी। अरे भाई, अरे हम सब भी ना, हम सब भी तो बिल्कुल आगे ही बैठेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बाबूजी आप आगे होंगे और रानो इधर होगी और बीच में सुहाना होगी है। माँ चलिए ना, देखिए ना शूटिंग कैसी होती है। हाँ छोटी मामी चलिए ना प्लीज। इलीश, छोटी मामी का मन नहीं कर रहा है तो क्यों जिद कर रहे हो? हाँ दिशा ठीक कह रही है, अगर रानू का मन नहीं है जाने का तो रहने दो ना, मत पीछे लगो उसके। ये बस ऊपर ऊपर से करेगा, हटा के कर इसे। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है और मैं तो खुद उल्टा ही चाहता हूँ कि तेरे पिताजी से मिलके बात पक्की कर दूँ। बस तू मुझे अपने घर का पता दे दे, मैं मिल लूंगा। वो डैड के सामने आ गया तू? कौन? कोई नहीं। लो अभी तो बड़बड़ा रही थी कि डैड के सामने आ गया तो क्या, हाथ चला तू। अरे कौन आएगा कमल किशोर के सामने, कहीं तू सुरेश के बारे में तो नहीं सोच रही? सुरेश कल भी फोन आया था उसका पैसे मांगने के लिए, इस बार तो उसने धमकी भी दी है बेटा। मैंने कमल किशोर को कुछ नहीं बताया, वो बेकार भी गुस्सा हो जाएगा ना। मासी जी, वो बंदा
चुप बैठने वाला नहीं है, पैसों की खातिर कुछ भी कर सकता है। तू सही कह रहा है गोपी, गंदा खून आखिर अपना गलत रंग तो दिखाएगा ही ना। इससे पहले कि दीपक के पापा कुछ करे, मुझे ही कुछ करना होगा। संजना क्या सोच रही बेटी, तू चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगी बेटा। मैं कुछ और सोच रही हूँ दादी। लो फिर सोचने लगी। अच्छा चल वहां से उठ, गोपी को सफाई करने वा। गोपी रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग, ये पढ़ाई के बहाने क्या करे ये तू, ऐसे तस्वीर लेके बैठती है तू। देख संजू, जब तक दीपक बाबू से तेरा ब्याह नहीं होता तो उनसे दूरी रहा कर। मगर मासी जी, मिलने जुलने में हर्जी क्या है? चुप कर तू, जाके चाय बना हमारे लिए, जा। दादी दादी आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। से बिना शादी के मुझे भी दीपक के साथ घूमना फिरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आजकल का कोई भरोसा है क्या, लड़के और लड़कियां बिना शादी के घूमते रहते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? जी बेशरम लड़की, क्या अनाप शनाप बक रही है, शर्म हया सब घोल के पी गई है तू। नहीं दादी, मैं तो खुद घबरा रही हूँ। क्या है ना कि दीपक और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो मिलना जुलना तो रोज लगा रहता है। चुप कर, अपने बाप की नाक नहीं कटवाना तुम। बिल्कुल नहीं दादी, मैं खुद ऐसा नहीं चाहती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, शादी हो जाती तो अलग बात थी। दादी आपको ना, न मेरी न डैड की नाक की किसी की परवाह नहीं है, है ना? हाँ तू सही कह रही है संजू, शादी शादी जल्दी हो जानी चाहिए। हाँ मैं ना आज ही कमल किशोर से बात कर लेती हूँ। पक्का? अरे ऐसा उछल क्यों रही है? मेरा मतलब है कि बात तो आप कर ही लेंगे, तो मैं अपने रूम में चलती हूँ। गोपी काका चाय मेरे रूम में भिजवा दीजिएगा। ठीक है संजना बेबी। नहीं बात तो सही कर रही थी संजू, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? शादी जल्दी हो जानी चाहिए। गाड़ी आ गई है सर। ये मम्मी जी आपके लिए, सर ने स्पेशली भेजा आपके लिए। इतना बड़ा बुके यार, ये प्रोड्यूसर ने बुके भेजे हैं गार्डन। भाई साहब इसकी क्या जरूरत थी, वहीं दे देना था ना सेट पे। अरे सर ये तो घर के लिए है, सेट के लिए अलग से है ना। मम्मी जी प्लीज जल्दी करिए, गाड़ी आपका वेट कर रही है। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप ना प्रोड्यूसर साहब को मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा प्लीज। छोटी भाई चली जाना, गाड़ी भेजी है उन लोगों ने तो मना करना अच्छा नहीं लगता। छोटी भाभी इतना मान दे रहे, थोड़ी देर के लिए चली जाइए ना, बुराई क्या है इसमें। हाँ चाची जाइए ना, वो आइए। अरे नहीं 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 नहीं, अरे मम्मी जी प्लीज चलिए ना, देखिए अगर आपको पसंद आए ना तो वापस आ जाइएगा। माँ चलिए ना प्लीज। अच्छा 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 बाबा चलती हूँ मैं। ये हिप हिप आइए मैडम प्लीज जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है, शूटिंग भी शुरू करनी है, प्लीज चलिए। चल मैं चलती हूँ। चलो 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 चलो, चाची भी बन गई आज हीरोइन की मम्मी जी। बस अब भगवान सब अच्छा अच्छा करे वहां पे। हाँ स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।